हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप। सो मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं जा रही हूँ कहीं घूमने। इन द सेंस मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, एंड एयरपोर्ट जाने का रीज़न क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। कहाँ पर ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ। मैं दिल्ली टू बैंगलोर जा रही हूँ। पहले मैं हैदराबाद रहती थी, तो अब मैं बैंगलोर शिफ्ट हो रही हूँ, तो इसलिए मैं पहली बार अब बैंगलोर जाऊँगी और आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सबको। क्या खाली हो गई? ड्रेसिंग टेबल खाली हो गई। क्यों? बुरा नमस्कार, खाली हो। अच्छा, तो खुश हो फिर? नहीं, खाली हो ड्रेसिंग टेबल। ये है भाई जो कि मुझे छोड़ने जाएगा। ये मेरा लगेज। लगेज तो मैं कभी ज़्यादा करती नहीं हूँ, छोटा थोड़ा सा ही लगेज। और मम्मी, हम लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी चलो। कहाँ था जी? ओहो, ताऊ जी, ये पता नहीं कौन सी क्रीम लग रही है। ये हैं ताऊ जी और ये सब मुझे छोड़ने जाएंगे आज। पापा नहीं जा रहे छोड़ने क्योंकि वो रात को बहुत लेट आए थे, आउट ऑफ स्टेशन गए थे काम की वजह से, तो इसलिए। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के घूमने करने। तो ये आ चुकी है लिफ्ट और हम जा रहे हैं नीचे। लिफ्ट बंद होने वाली है और ये रही मैं। हम नीचे जाने वाले हैं। ये लिफ्ट बहुत ज़्यादा रुक रही है बीच में क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं। एक घंटा ऐसा लग रहा है, एक घंटा हो गया इस लिफ्ट में खड़े हुए। सबने मास्क लगाए हैं, ताऊ जी ने नहीं लगाए, मैंने नहीं लगाया। हमें चालान भरने का ज़्यादा ही शौक है, तो सुबह सुबह चालान से अपनी शुरुआत करेंगे। सुबह सुबह का मौसम, सुबह के 4:45 बज रहे हैं। ये चल दिया और इतना सुबह तो मैं नहीं उठती, बहुत ही मुश्किल से। मतलब मैंने अब मैं सूरज देखूंगी कितने टाइम बाद सुबह का। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अभी, इतनी गर्मी नहीं है। गर्मी तो बहुत है दिल्ली में, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ, बट अभी फ़िलहाल इतनी गर्मी नहीं है। पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो भैया? अच्छा, अरे मैं ये कह रहा था गार्ड है वो रखवाए, क्यों खेचा खाची करती हो जब हम तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी जा रही ऑफिस सुबह 5 बजे, ताऊ जी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। ऑफिस जल्दी है, स्टार्ट कर लिया। हर हर गंगे, हरिद्वार जा रहे हैं हम। मुझे सुबह उठ के कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है सुबह उठ के मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन बाद उठी हो ना वैसे। नहीं नहीं, अच्छा मजाक कर रही हूं। कल भी उठी थी 2:30 बजे, मम्मी तो रोज सुबह उठती है तो हम ही नहीं उठ पाते हैं। हम तो हमेशा जल्दी उठते हैं। मौसम अच्छा हो रहा है और ताऊ जी मुझे डांट रहे हैं सुबह ना उठने पे। डांट लगा ली अपने भाई? हाँ लगा ली। ताऊ जी हमारे प्रोफेसर हैं एकदम, बेल्ट कैसे भूल जाएंगे। क्यों, जिनके भैंस होती है वो घी अपना क्यों नहीं खाते? निकाल के सारा दूध बेच देते हैं। ओ, इसलिए वो घी बनाते ही नहीं है। दूध भी थाली का पी रहे हैं। हाँ नहीं भाई, घी तो बहुत ज़रूरी है। गुड़िया को घी के पहले पता चाहिए? नहीं मतलब घी खत्म होता है ना घर में, तो ऐसा लगता है कि कैसे खाएंगे खाना। अच्छा, बहुत रूखा रूखा सा लगता है बिना घी के। एक अलग सा टेस्ट आता है, टेस्ट आता है। हाँ ये देखो सारी रोड खाली है, इतना सुबह निकल के ये फायदा होता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, और यही 2 घंटे बाद ऐसा भर जाएगा ये पूरा दिन। बोले ठीक है, फिर ये आके बिना आवाज के, कोई आवाज नहीं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, तभी मेरी आँख खुल गई अचानक। दिमाग में तो ठीक है, रब आई नहीं है। फिर सोई नहीं? सोई उसके बाद सो गई। अच्छा, फिर कैमरे आके नींद दिख रही कि नींद? और अंजना क्या हाल है? मुझे तो सारा सब गुस्सा मुझे हाल पूछ रहे हैं। वैसे सानी की मैं 1.5 घंटे सोई फिर उठी, और मैंने पारू पहली बार अलार्म लगाया इस फोन में। मुझे श्योर तो था कि बजेगा, फिर भी मैं आँख खुल खुल के देख रही बार बार। गूगल पर वैसे डाला था मैंने, तो 5 घंटे तो हो गए नहीं। 5 घंटे का सोई हूँ? नहीं सोई, 3 बजे उठ गई हूँ, 12 बजे लेट के। अच्छा 12 बजे सोई थी,
हम पहुंच चुके हैं मेन दिल्ली, जहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं हमारे देश के। ये कौन सी रोड है ताऊ जी? अकबर रोड। तो ये है अकबर रोड। कितना साफ सुथरा रहता है यहाँ पे, मतलब अलग ही मजा आ जाता है यहाँ पे आके। और इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे बंगलोज हैं, एकदम व्हाइट हाउस, इंडिया के व्हाइट हाउस सारे यही हैं। अभी हमें कितना, आधा घंटा तो लग जाएगा ना? संडे है तो रश ज्यादा रहेगा आज काफी। संडे को ही ज्यादा रहता है रश, ना कि मंडे को। और गर्मी इतनी है कि मैं अपने बाल बांध के, मेरे को कोई शौक नहीं है पसीने में तर होने का। और अभी अंधेरा हो रहा है, अभी 5:30 बजने वाले हैं, बट अभी तक दिन नहीं हुआ है। तो दैट्स इट। तो सुबह हो चुकी है पर मेरी आंखें अभी तक नहीं खुली। और ये देखो कितने, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेट नहीं है ना। इतनी ठंडक हो रही है अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि हाँ अंदर ए सी चल रहा है गाड़ी के, और बाहर तो इतनी गर्मी, पता नहीं दिल्ली वाले इतनी गर्मी लेकर आ कहाँ से रहे हैं, समझ से बाहर है बात। ये हम आ चुके हैं एयरपोर्ट, बोर्ड गया पीछे, मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे पहुँचने में। सो गाइज, आई एम नॉट श्योर कि पहुँचने के बाद मैं वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, बिकॉज मेरे पास लगेज है और लगेज के साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एयरपोर्ट दिखाऊँ कैसे कहाँ जाते हैं। और मैं थोड़ा लाउंज में भी वेट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं पहले आ गई हूँ, जस्ट फॉर यू नो सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट एक अलग रेलवे स्टेशन है इंडिया का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसा लगता है कि टिकट्स फ्री में बट रही थी और सब आ गए। गेट तो अंदर जाके पता लगता है, अभी तो टर्मिनल की तरफ, बस टर्मिनल देखना होता है, टर्मिनल वन पे पहुँचा दो। तो हम फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, टर्मिनल वन। लेट्स सी, देखो भीड़ कितनी है, सुबह लोगों को चैन नहीं है। नहीं वन है ना, लिखा तो था अभी वन डी लिखा है, किसी से पूछ तो ठीक है, पुलिस वाले से पूछ। ठीक है चलो पूछता है, चलो यार गाइस बाय बाय। तो गाइज मैं अब घुस चुकी हूँ एयरपोर्ट के अंदर मतलब बिल्कुल अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू जो है, ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये टीवी लगे हुए हैं डिफरेंट एयरलाइंस के। और मेरी फ़्लाइट इंडिगो की थी तो इसलिए मैं इंडिगो के स्पेस पर आई हूँ। और भीड़ देख लो यार आप सुबह, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी लोगों को चैन नहीं है, चैन तो मुझे भी नहीं है, पर हाँ यार मेरा तो काम है। तो गाइज अब मैं आ चुकी हूँ इनकम लॉन्ज, दिल्ली एयरपोर्ट का जो लॉन्ज है उसका नाम है इनकम लॉन्ज। और ये आपको मैं लॉन्ज दिखा रही हूँ, यहाँ पे सब खा के जा रहे हैं और यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं चुपक के बना रही हूँ एकदम। और देखो स्लीपिंग ब्यूटीज आर स्लीपिंग, कैसे सो रहे हैं लोग सुबह, कितने क्यूट लग रहे हैं मतलब। और यही जब उठ जाएंगे ना तो एकदम ऐसे शैतान नजर आएंगे जब चिल्लाएंगे ना अपने घर में, स्पेशली लेडीज। ये देखो क्या अच्छा लॉन्ज है, मतलब ओपन है ऊपर से। और अब आता है पूरी ट्रिप का सबसे मजेदार पार्ट, तो देखने के लिए रेडी हो जाओ। ये देखो कोई कहेगा कि 5:30 बज रहे हैं सुबह के, मतलब लिटरली इतनी सारी भीड़, मेरे तो पसीने छूट गए यार देख के, एसी काम नहीं कर रहे यहाँ पे यार, मतलब हद ही होती है। इतने लोग दिल्ली वाले कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हें दिल्ली में भी रहना है, तुमने दिल्ली में भी भीड़ कम नहीं कर रखी और तुम्हें फिर बाहर भी जाना है, मतलब यार बहुत ज्यादा भीड़ थी उस दिन कि मैं क्या ही बताऊं। हाय गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ बैंगलोर और मैं आपको बैंगलोर का एयरपोर्ट नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी आते ही तबीयत खराब हो गई थी। बैंगलोर में मैं जैसे ही लैंड करा मैंने, मेरी तबीयत खराब हो गई एकदम, तो इसलिए मैं आपको बैंगलोर का एयरपोर्ट नहीं दिखा पाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ, फाइनली मैं बैंगलोर पहुँच चुकी हूँ और मेरा गला भी थोड़ा बैठा लग रहा है, शायद चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ सीजन की वजह से। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग ऑन द चैनल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो मत लाइक करना, ओके? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और शेयर कर देना यार। और अब मैं आपको बैंगलोर की बहुत खूबसूरत जगह दिखाने वाली हूँ इन कमिंग वीडियोज, एंड लव यू ऑल।